नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर। लाइव आएंगे, माहौल बताएंगे सिर्फ लल्लन टॉप यूपी चैनल पर। तो फटाफट से कर दीजिए सब्सक्राइब और पूछिए क्या हाल है यूपी। लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टीम इंडिया को हेडिंग्ले में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। पारी और 76 रनों के अंतर से इंग्लैंड ने हराया है। इसी के साथ इंग्लैंड ने सीरीज में 1-1 की बराबरी भी कर ली है। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने एक बार फिर से धोखा दिया। पहली पारी में 78 रनों पर सिमटने के बाद भारत दूसरी पारी में 278 रनों पर ऑल आउट हो गया, जबकि तीसरे दिन के खेल खत्म होने पर भारत ने महज 2 विकेट खोकर 215 रन बना लिए थे। उम्मीद थी कि कोहली और पुजारा के बल्ले से शतक आएगा और फिर भारत कम से कम 100-150 रनों का टारगेट इंग्लैंड को देगा, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहां से सच होंगे। पहले ही सेशन में टीम इंडिया ने 8 विकेट गवा दिए। टीम हार गई, लेकिन तारीफ करनी होगी इंग्लैंड के गेंदबाजों की, जिन्होंने सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की। भारतीय बल्लेबाजों से कड़े सवाल पूछे और विकेट चटकाकर टीम को जीत दिलाई। ओली रॉबिन्सन ने 5 विकेट और ओवरटन ने 3 विकेट झटके, जबकि मोइन अली और एंडरसन को 1-1 विकेट मिला। हेडिंग्ले में मिली शर्मनाक हार के बाद कप्तान विराट कोहली ने बड़ा बयान दिया है। मैच के बाद कोहली ने बताया कि कहां टीम इंडिया से चूक हुई और चौथे दिन क्या गलती हुई। अच्छी शुरुआत के बाद भी पत्तों की तरह बिखरने वाले सवाल पर कोहली ने कहा, स्कोरबोर्ड का दबाव था, हम जानते थे कि मैच में पिछड़ चुके हैं। हम लोग 80 रनों के भीतर पहली पारी में आउट हुए और विपक्षी टीम ने जवाब में बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। हम लोगों ने दूसरी पारी में अहम साझेदारी की, लेकिन इंग्लिश गेंदबाजों ने आज यानी कि शनिवार मॉर्निंग में शानदार गेंदबाजी की और दबाव बनाया। हमने अच्छी तरह से नहीं खेला। बैटिंग कोलैप्स किसी भी देश में हो सकती है। ये पिच बल्लेबाजी के माकूल थी, लेकिन इंग्लिश गेंदबाज काफी अनुशासित थे और हमें गलती करने पर मजबूर किया। शुरुआती स्पेल झेलना और भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि रन नहीं आ रहे थे। बल्लेबाजी करते हुए हमने अच्छे फैसले नहीं लिए। पिच बैटिंग के ही माकूल थी और जब इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की तो ज्यादा बदलाव पिच में देखने को भी नहीं मिला। उन लोगों ने बल्लेबाजी में दम दिखाया और बेहतरीन फैसले भी लिए। इंग्लैंड जीत की हकदार है। आपको बता दें, भारत ने दूसरी पारी में 63 रनों के भीतर 8 विकेट गवा दिए। चौथे दिन पुजारा के रूप में पहला झटका लगा, 91 रन बनाकर आउट हुए। फिर विराट कोहली 50 जड़ने के तुरंत बाद ही निकल लिए और उसके बाद तो विकेटों की पतझड़ ही लग गई। इस बारे में विराट कोहली ने कहा, बल्लेबाजी में शायद हमारे पास गहराई नहीं है, ऐसे में टॉप ऑर्डर को ज्यादा से ज्यादा रन बनाने चाहिए ताकि निचले क्रम के बल्लेबाज योगदान दे सकें। हमेशा पुछल्ले बल्लेबाजों से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दूसरी पारी में बल्लेबाजी से हमें कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं मिला। 2 स्पिनर के साथ जाने के बारे में हम बाद में सोचेंगे। निर्भर करता है कि पिच में कितनी नमी है और क्या 5-6 दिनों तक रह सकती है। कभी कभी चौथे सीमर अहम हो जाते हैं और कभी कभी ये निश्चित करना पड़ता है कि 3 पेसर के साथ स्पिनर्स भी जल्दी विकेट निकाल कर दें। हमें अपनी गलतियों को जल्द ही सुधारना होगा और कमबैक करना होगा। इससे पहले हमने ऐसा किया भी है। आपको बताते चलें कि इंग्लैंड की तरफ से ओली रॉबिन्सन ने अपने करियर का 2वां 5-विकेट हॉल लिया है। पहली पारी में उन्होंने 2 विकेट और दूसरी पारी में 65 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अविनाश ने। देखने के लिए शुक्रिया।